बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह आप प्लगइन के थ्रू वेबसाइट जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। तो आज इस प्लगइन का रिव्यू मैं करने जा रहा हूँ वो है ऑल इन वन माइग्रेशन। तो जैसे एक डेमो के लिए मैंने वेबसाइट सेटअप की हुई है ऑलरेडी, जिसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल है और एक वेबसाइट जो है वो भी सेटअप है। तो अभी हम जो है एक जो उसका बैकअप पड़ा हुआ है पुराना, तो उसको हम इसके ऊपर रिस्टोर करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके ऊपर आपको टेक्निकल वीडियोस देखने को मिलेंगी, जिसमें वर्डप्रेस हो गया, आईटी रिलेटेड हो गया और काफ़ी इंफॉर्मेशनल जो वीडियोस हैं वो आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। तो चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वर्डप्रेस लॉगिन करते हैं। तो वर्डप्रेस लॉगिन हो रहा है। भी एक दोबारा हम जरा पासवर्ड लगाते हैं शायद। तो ये अभी फिलहाल हमें दे रहा है द वेबसाइट हैज़ ए क्रिटिकल एरर, इट हैज़ बीन ए क्रिटिकल एरर दे रहा है। ठीक है, तो चले इसका भी एक वीडियो बन जाती है। अभी फिलहाल मैं इस पर वीडियो नहीं बना रहा, मैं वीडियो बना रहा था कि वेबसाइट कैसे माइग्रेशन करते हैं। तो बेसिक इस जो वेबसाइट इसके ऊपर ऑलरेडी डेमो के ऊपर चल रही है, उसमें ये इशू आया है कि उसके ऊपर क्रिटिकल एरर आ गया कि डब्ल्यू बी एडमिन जो है वो हम ओपन नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए सबसे पहले हम डब्ल्यू बी एडमिन के अंदर जाते हैं और यहाँ पे जाके सॉरी डब्ल्यू बी कंटेंट के अंदर जाते हैं। वहाँ पे जाके प्लगइन के फोल्डर को राइट क्लिक करके हम रीनेम कर देते हैं, क्योंकि ये जब भी इशू आता है या प्लगइन की वजह से आता है या थीम की वजह से आता है। तो जैसे ही मैंने इसको किया, तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, कहें कि वेबसाइट जो है वो ये दोबारा फिर लॉगिन पर आ गई है और दोबारा इसके ऊपर हम दोबारा पासवर्ड देके इसको लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें, ये डैशबोर्ड जो है जो हमारे पास इस टाइम लॉगिन हो चुका है। तो जो इशू था वो भी पता चल गया कि प्लगइन की वजह से, किसी की वजह से ये जो था इशू आ रहा था। जैसा कि अभी हम इसके मैं अगर प्लगइन सेशन में जाता हूँ, तो इस टाइम इसके जितने भी प्लगइन हैं वो सारे डीएक्टिव हो चुके हैं। तो क्योंकि हमने वेबसाइट ये क्लोन करनी है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी इसके अंदर प्लगइन इस टाइम पड़े हुए हैं, ये सारे प्लगइन जो हैं ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, सिर्फ ये इंडेक्स का फोल्डर छोड़ के बाकी जितने भी प्लगइन हैं वो मैं इसके अंदर से डिलीट कर रहा हूँ, ताकि हमने सिर्फ जस्ट एक प्लगइन करना है इंस्टॉल ऑल इन वन माइग्रेशन, और उसके साथ हमने जो है इसके जो अब प्लगइन का फोल्डर है इसको हम दोबारा प्लगइन्स कर देते हैं, रीनेम ख़त्म हो जाता है इसका। तो अभी हम दोबारा जाके प्लगइन के पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए ठीक हो गया, हमारे पास आ गया। तो अभी मैं एक प्लगइन कर रहा हूँ इसके अंदर इंस्टॉल, जिससे जो है हम इसको डेटाबेस को रीसेट करेंगे। तो ये बड़ा अच्छा प्लगइन है, वेब रीसेट के नाम से आता है और ये इजीली आपको वर्डप्रेस के जो है स्टोर जो है उससे मिल जाएगा, फ्री है वेब रीसेट। तो वेब रीसेट हम इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर, इंस्टॉल एक्टिवेट। तो जैसा कि एक्टिवेट हो गया वेब रीसेट का प्लगइन, तो हम इसके ऊपर जाते हैं। तो जस्ट जाके आपने इसके ऊपर रीसेट लिख के साइट रीसेट, ठीक है, आर यू श्योर यू वांट टू रीसेट दिस साइट, यस। तो ये साइट जो है ये टोटल रीसेट जो है ये सारी रीसेट हो जाएगी। नया एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, तो ये इस टाइम वो वर्डप्रेस जो है जी आपके पास आ चुका है। ये देखें हेलो वर्ल्ड थीम लग चुका है। अब ये देखते हैं कि इसके अंदर थीम वगैरह क्या पड़े हुए हैं। तो इसके अंदर जो बाकी थीम पड़े हैं तो ये हम डिलीट कर रहे हैं इसके अंदर से। तो बाकी जो इसका डिफ़ॉल्ट थीम लगा हुआ है वो हम इस पर लगा रहने देते हैं। अभी चेक करते हैं कि इसके ऊपर, इसको भी ट्रैश कर देते हैं, डिलीट परमानेंटली करती है। मीडिया के ऊपर जाकर चेक करते हैं कि मीडिया में कोई फाइल है, मीडिया ने ऑलरेडी सारा डिलीट कर दिया है। पेजेस पे देखते हैं कि पेज पड़ा हुआ है, तो ये दो पेजेस पड़े हैं, तो चाहे तो इनको भी रहने दें या मूव टू ट्रैश करते हैं। प्लगइन सिर्फ हमारे पास एक ही है, वेब रीसेट प्लगइन अपलोड, ठीक है। तो ये मेरे पास जो प्लगइन है
ये डेस्कटॉप के ऊपर मैंने रखा था कॉपी करके, जस्ट बेस्ट ये किस वाले में मिला था, ये बड़ा हुआ ऑल इन वन माइग्रेशन, ये बेसिक पेड वाला है, फ्री वाला भी मिल जाता है, वो भी काम करता है, लेकिन मैं बेसिक पेड वाला यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास पेड वाला पड़ा होगा प्लगइन, तो ये जो प्लगइन है ये हमारे पास एक्टिव हो चुका है। अभी इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो 7.66 है, लेकिन जो मेरे पास पड़ा वो 6.77 है, जो कि क्रैक वर्जन है। वेब रीसेट को ये भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम ये प्लगइन जो है इसको रिमूव कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आपने किसी साइट को एक्सपोर्ट करना हो तो वो एक मैं सेपरेट से एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसके ऊपर जो वेबसाइट को एक्सपोर्ट करना है वो सारा बताएंगे, ठीक है, इंपोर्ट किस तरह आपने करना है भी बताएंगे, और बैकअप जो है वो आपने किस तरह क्रिएट करना है, ठीक है, तो वो भी हम आपको सारा इसके अंदर बताएंगे। तो अभी हम इंपोर्ट पे जाते हैं, तो ये बहुत सी कुछ फीचर देता है। फाइल पे जाएंगे तो हमारे सिस्टम पे आ जाएगा कि जहाँ पे हमारे पास फाइल पड़ी है, जैसे ये मेरे पास बैकअप पड़ा हुआ है तो मैं ऐसे भी अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन ये जो है ना इस पर अक्सर मसला दे देता है, पूरा जो प्लग होता है बैकअप वो अपलोड नहीं करता। अगर आपके पास कहीं अपलोड पड़ा है तो आप यूरल से भी कर सकते हैं, FTP से भी कर सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स से, गूगल ड्राइव से, अमेजोन S3, ठीक है, मेगा से, वो मुख्तलिफ जो है वो है, लेकिन अब मैं जो है इसको करूँगा जाके वाया cPanel। तो ये देखिए, एक हमारे पास फोल्डर आता है बैक भी जाते हैं, ये WordPress इंस्टॉल है, इसमें हमारे पास फोल्डर आता है WP Content, उसके अंदर आता है AI1W Backup, ठीक है, ये बेसिक फोल्डर होता है जिससे वो बैकअप, जिसमें बैकअप आपका जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो बैकअप यहाँ पे बनता है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जब इंपोर्ट करते हैं तो बैकअप आपका यहीं पे बनता है। तो अपलोड पे जाते हैं और यहाँ पे जाके हम डेस्कटॉप पे जाते हैं, और ये हमारे पास बैकअप पड़ा, ये हमारे पास पड़ा 527 MB का, तो इसको हम अपलोड पर लगा देते हैं। तो ये अभी अपलोड पर लग जाता है, तो ये कुछ टाइम लेगा अपलोड होने में, तो मैं वीडियो ज़रा स्टॉप कर रहा हूँ, तो जैसे ही ये 100% कंप्लीट होता है तो दोबारा वहीं से वीडियो दोबारा स्टार्ट कर। तो जैसा कि ये 100% जो है बैकअप अपलोड हो चुका है, तो अभी जाके इसको रीलोड करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास जो बैकअप है, सॉरी, तो बैकअप जो है हमारे पास यहाँ पर अपलोड हो चुका है। तो अभी सॉरी, ये डाउनलोड पर क्यों लग गया, दोबारा उसको पास करते हैं। तो अभी हम दोबारा जाते हैं इसके ऊपर, बैकअप के ऊपर, तो ये देखें हमारे पास जो बैकअप है ये शो हो रहा है 44 सेकेंड अगो जो है अभी बैकअप जो है वो इस पर अपलोड हुआ है। तो इसमें दो ऑप्शन देता है, बैकअप जो आप बनाएंगे वो भी आप इधर से डाउनलोड कर सकते हैं जब एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ पे जाके, जैसे अभी मैं साइट को रिस्टोर करता हूँ उसके बाद उसको दोबारा बैकअप लेना चाहते हैं चेंज करके, तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करके जो बैकअप आएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा, आप उसको यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि आप जाके यहाँ से डायरेक्ट इसको सेलेक्ट करके फाइल को यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा बेस्ट प्रो ये है कि आप इसको cPanel से डाउनलोड करें और अपलोड करें, ताकि किसी किस्म का इशू नहीं आता रिस्टोरेशन के अंदर। तो इसको रिस्टोर करते हैं, तो जैसे मैंने रिस्टोर का बटन प्रेस किया है तो ये जो है प्लगइन ये चेक करेगा इसका कि ये पैकेज की जो फाइल है ये ठीक है, इसको अनपैक करेगा आर्काइव में, ठीक है, कहता द इम्पोर्टेंट प्रोसेस विल ओवरराइट योर वेबसाइट, ठीक है, वो ऑलरेडी हमने इसको किया हुआ, हम इसको प्रोसेस कर देंगे। तो अभी ये 2 से 3 मिनट लेगा अकॉर्डिंग टू योर होस्टिंग, कि आपकी होस्टिंग कैसी है, अगर अच्छी होस्टिंग है तो ये अभी आपके सामने मेरे आपसे बातें करते करते ये रिस्टोर कर देगा। तो अगर ज़्यादा बड़ी साइट हो जाए, चाहे 2 GB 3 GB की, तो उस पर तकरीबन ये 20-25 मिनट ले जाता है। तो अगर छोटी साइट हो जैसे जो 512 MB की है, तो तकरीबन इस पर 1-2 मिनट लेगा, और ये जो है आपका साइट जो है वो उस पर शिफ्ट हो जाएगी। तो अगर आपको किसी किस्म कन्फ्यूजन हो इस ट्यूटोरियल के अंदर, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इस पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो बाकी इस तरह की वीडियो इस चैनल पे आती रहती है, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो अभी बैकअप 81% पे हो गया है, तो 87% पे चला गया, 94% पे चला गया है, और ये कुछ ही देर के अंदर हमारे कंप्लीट का मैसेज आ जाएगा कि वेबसाइट जो है आपकी कंप्लीट जो है वो रिस्टोर हो चुकी है। तो समटाइम ये भी होता है कि ये जो होता है फेल्ड का मैसेज दे देता है या किसी और तरह का है, तो जिससे ये होता है कि आपकी जो या तो होस्टिंग में लिमिटेशन लगी होती है, ठीक है, तो
तो उस वजह से भी इशू दे जाता है। वो भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें लिमिटेशन पहले करेंगे होस्टिंग को, उसके बाद देखेंगे क्या एरर देता है और किस तरह हम इस एरर को फिक्स करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यू हैव बीन इंपोर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। यू हैव सेव परमानेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, वो सब जा कर सकते हैं आप, क्लोज करेंगे और जस्ट जाके हम इधर से एक दफ़ा इसको डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे ताकि एक दफ़ा डेटाबेस जो है ये मैसेज देगा डेटाबेस अपडेट रिक्वायर्ड, तो हम इसको प्रेस कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे, तो ये हमारे पास आ चुका। अभी ये जो हमने पहले खोला हुआ था उसका होम पेज, तो अब उस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये हमारे पास जो साइट थी वो एज इट इज़ जो थी उसका बैकअप हमारे पास रिस्टोर होके आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो जो है ये आपको अच्छी लगी होगी, तो इसमें आप अगर चेक भी कर सकते हैं कि सारे पेजेस वगैरह जो हैं वो उसके इजीली काम कर रहे हैं, किसी किस्म का उसमें कोई इशू वगैरह नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।